हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज है 20 अगस्त 2022, 11:56 अभी हुआ है। और यार, क्योंकि हमारा एसडी कार्ड जो था, जो कि हमने अपने कैमरा के अंदर डाला हुआ था, वो करप्ट हो गया था। सो अभी उसके अंदर डेटा है और मसूरी की एक वीडियो का डेटा है, जो कि हम लोग गए थे मसूरी से और धनोल्टी के लिए, और वहां पर जो हमने ट्रैकिंग वगैरह की थी उसकी वीडियो एक आनी है। सो उसके साथ मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता हूँ अभी, क्योंकि मुझे उस डेटा को रिकवर करना है। सो हमें एसडी कार्ड चाहिए था दूसरा, तो हमने ऑर्डर कर लिया, इसलिए अमेजोन से हमने ऑर्डर किया है। सो फिलहाल इसको अपने कैमरा के अंदर डालेंगे। सो फाइनली यार, अपना एसडी कार्ड अपने कैमरे के अंदर हमने डाल लिया है। इसकी भी वीडियो डिटेल में अभी आने वाली है। मैंने सरप्राइज वीडियो एक रखी थी मसूरी ट्रिप से पहले, लेकिन उसके बाद यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। सो अब मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जो मैंने यूज़ किया है, अपना एक्सपीरियंस जो कैमरे के साथ में रहा है, प्लस जो मोटो व्लॉग सेटअप हम बनाएंगे उसका पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। पिछले कुछ दिनों से हम एक एडी की लेने का सोच रहे हैं। सो हीरो की जो एक्सपल्स है, वो भी हमारी लिस्ट में है। इसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए हमने हीरो के साथ बात की थी, तो वहां से हमारे लिए एक्सपीरियंस राइड के लिए बाइक मिल रही है 3 से 4 दिन के लिए। सो कुछ दिनों के लिए हम एक्सपल्स 4V को यूज करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं एक एडीवी को लेकर के, क्या वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो पा रही है कि नहीं। अगर हीरो उसमें पास हो जाती है तो हम हीरो परचेज कर लेंगे, और अगर एक्सपल्स उसमें पास नहीं हो पाती है तो फिर हम दूसरी कोई बाइक ट्राई करेंगे, जैसे कि हिमालयन या एडवेंचर 390 या फिर डोमिनार वगैरह। सो फिलहाल हमारी बाइक आने वाली है, उसको रिसीव कर लिया जाए। भाई शेखर, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या? सर मेरा नाम आमिर, और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर और यहाँ का एड्रेस। ये फुटेज आप ये भी खोल के ग्रिप के लिए चला सकते हैं। अच्छा, ये भी खुल जाता है? हाँ, ये भी खोल के, क्योंकि अगर कोई फीचर वगैरह हो फोन स्लिप करने की चांस नहीं रहेगा। जैसे आपके मोबाइल में कोई मैसेज वगैरह है तो मैसेज भी दिखाएगा, बैटरी लो है तो बैटरी भी दिखाएगी सर, इसमें किसी कॉल आ रही है कॉल भी दिखाएगी। कौन से गियर में गाड़ी चल रही है वो। चलो ठीक है भाई यार, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। सो यार, फाइनली अपनी बाइक आ चुकी है, और बाइक का जो यार इनिशियल थ्रोटल है ना, मतलब जो इनिशियल आपका टोर्क है बाइक का, वो इतना मस्त है। मैं काफी दिनों से स्प्लेंडर चला रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई एरोप्लेन पर बैठ गए हो। मैं अभी जा रहा हूँ फटाफट से, मैं जल्दी से खाना खाता हूँ। शाम का वैसे ऐसे तो कोई प्लान था नहीं, लेकिन बाइक को चलाने में इतना मजा आ रहा है। अभी मैंने अपनी गली के अंदर थोड़ा सा चलाया था, तो इतना मजा आ रहा बाइक को चलाने में कि अब मुझसे रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी। सो मैं फिलहाल फटाफट से खाना खाने के बाद अपने काम पर निकलता हूँ, और शाम को आकर के फिर राक्षी को लेकर के जाएंगे राइड पर। ये शाम का 6:15 बज गया काम फिनिश करते करते, और अभी मैं घर पर आया हूँ और नहा धोकर के फ्रेश हुआ हूँ। साक्षी भी अभी तैयार होकर के बैठी है, तो हालांकि पूरे दिन में काम करते करते यार थक तो चुका हूँ, लेकिन इतना एक्साइटमेंट है अंदर से, और साक्षी को भी एक्साइटमेंट है। साक्षी भी काफ़ी दिनों से, क्या तकरीबन 1.5 साल से, जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने जेड एम आर बेच दी थी थोड़े टाइम नहीं कुछ मतलब तकरीबन 1 साल पहले मैंने अपनी जेड एम आर सेल आउट की थी। उसके बाद से हम स्प्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे पापा की थी, और उसी स्प्लेंडर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो साक्षी भी परेशान हो चुकी है उससे, ऊब चुकी है, क्योंकि इसमें कंफर्ट इतना ज़्यादा अच्छा आता नहीं है। सो काफ़ी दिनों बाद कोई अच्छी सी बाइक हमारे हाथ में आई है अभी, तो साक्षी भी एक्साइटेड है और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो थकान अंदर अभी कुछ ऐसी लग नहीं रही है। सो फिलहाल हम बाहर चलेंगे और आज देखते हैं कहाँ पर जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, अभी 6:15 तकरीबन बज ही रहा है, आज ग्रेटर नोएडा की तरफ जाया जाए, ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ेगा और एक हाईवे राइड भी हमारी हो जाएगी। दोस्तों, इस बाइक को हम तकरीबन 3 दिन तक यूज़ करेंगे, उसके बाद हम अपना रिव्यू आप लोगों के साथ में भी शेयर करेंगे, साक्षी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि एज ए पिलियन इस बाइक का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि मैं एक्सपीरियंस करूँगा। सो फिलहाल घर से निकलते हैं और बाइक की राइड को एंजॉय करते हैं। तो यार, अभी मैंने 1000 रुपये का पेट्रोल बाइक के अंदर डला लिया है, और ट्रिप को बिल्कुल जीरो कर और ट्रिप को जीरो कर दिया है। और पेट्रोल डलाने से पहले एक सीन हो गया यार, रास्ते में बाइक बंद हो गई और मुझे लगा शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया है, और काफ़ी देर तक स्टार्ट नहीं हुई। फिर मैंने साक्षी को उतारा और मैं पैदल बाइक को लेकर के आगे गया, लेकिन फिर जब मैंने दोबारा से कोशिश करी तो थोड़ी देर बाद बाइक फिर से स्टार्ट हो गई। तो फाइनली ज़्यादा दूर तक मुझे बाइक को धकेलना नहीं पड़ा। पता नहीं, कुछ हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा। ये बाइक तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दौड़ी है, और इतना हीटिंग इशू आ रहा है बाइक में। हीटिंग इशू मतलब पता नहीं इशू बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, मेरे पैरों पर बहुत गरम गरम फील हो रहा है। अच्छा, इतना तो जेड एम आर में कभी फील नहीं होता था।
सकता है इसकी सर्विस ना हुई हो भी सही से, ये भी ये हो सकता है। लेकिन भाई कंफर्टेबल है, मतलब जैसे कि पकड़ रहा हूँ सीधे आराम से बैठ सकता हूँ। अभी हम लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के ऊपर हैं, और यार एक टाइम होता था जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे उस समय पर, तब यहाँ पर मतलब बहुत कम रश रहता था, बहुत कम क्या एक इक्का दुक्का सवारी मिलती थी यहाँ पर चलने के लिए। और अभी देखो यहाँ पर पूरा एकदम ट्रैफिक कितना, उस समय पर जो हाईवे था वो एक ट्रैक के तरीके था, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती थी बिल्कुल भी, तो हम लोग रेस लगाते थे वहाँ पर, और 100 के नीचे कभी बाइक चलती ही नहीं थी। और आज देखो अभी यहाँ पर 40-50 ही पहुँचना मुश्किल हो रहा है, टाइम के साथ चीज़ें कितना चेंज हो जाती हैं। ग्रेटर नोएडा आने के बाद में हमेशा एक अलग सी वाइब आती है यार। लोग पहले यहाँ पर रहते थे उस समय पर भी, मतलब यहाँ पर धूल मिट्टी तो मिलती ही नहीं है यार, बहुत रेयर, अगर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तब केवल, बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई यहाँ पर। और हमेशा मतलब सड़कों का जो मेंटेनेंस होता है वो टाइम टू टाइम सही से होता भी रहता है। नोएडा में तो क्या है, जो सड़क टूट गई वो टूट गई, उसके बाद फिर तो कोई देख ही नहीं रहा। रात का 8:14 अभी हुआ है, और हम काफ़ी देर से तकरीबन 20 से 25 मिनट से हम लोग यहाँ पर टहल रहे हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर। साक्षी को मैं अपने कॉलेज वगैरह और जहाँ पर हम लोग रहते थे वो सारी चीज़ें मैं साक्षी को दिखा रहा हूँ, और ग्रेटर नोएडा के दर्शन थोड़े थोड़े करा रहा हूँ। रात में जब हम लोग कॉलेज में थे यहाँ पर हम काफ़ी इन्जॉय करते थे, और अगर मेरा कोई भी दोस्त देख रहा है तो कमेंट करके यार ज़रूर बताना कि उस समय पर कितना मज़ा आता था। सो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अल्फा फर्स्ट के लिए, वहाँ पर जा कर के डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाएँगे साक्षी की डिमांड पर, और उसके बाद में पिज़्ज़ा खाने के बाद में फिर हम लोग, कितना ज़रूरी था हॉर्न मारना, उसके बाद में फिर हम निकलेंगे नोएडा के लिए वापस। अभी जब हम लोग आए थे ग्रेटर नोएडा तब ट्रैफिक था हाईवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, तो रात में थोड़ा सा हाई स्पीड के ऊपर चलाने की कोशिश करेंगे 100, तो देखेंगे कि 100 के आसपास बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है। हालाँकि जो अभी तक मुझे महसूस हुआ 80 के ऊपर बाइक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी मुझे अभी तक पसंद नहीं आई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगते हैं बाइक के अंदर, और हीट तो इस समय पर बाइक इतनी ज़्यादा कर रही है कि काफ़ी दिक्कत वाली बात है, पैर एकदम मेरे झुलस रहे हैं इस समय पर। एक घंटा लग गया हमें पिज़्ज़ा खाने में, यहाँ पर ऑर्डर आने में 1 घंटा लग गया, खाने में 5 मिनट लगा। आज बहुत दिनों के बाद में मैंने पिज़्ज़ा खाने के बाद में ना पेट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं है, और उसका रीज़न पता क्या है, क्योंकि चीज़ नहीं थी आज पिज़्ज़ा के अंदर। वही तो क्या मतलब, सही है ना, अब मैं जा करके खाना भी खा सकता हूँ दूसरी शिफ्ट में। अरे तुम्हें पता तो है यार मुझे खाने का कितना शौक है, आज तक का वर्स्ट पिज्जा का आउटलेट देखा ये, मतलब 1 घंटा लग गया यार ऑर्डर सर्व करने के लिए, और जब ऑर्डर आया तो 10-15 मिनट तक रखा ही रहा, उसने बताया नहीं ऑर्डर आ गया तुम्हारा। ठंडा पिज्ज़ा खाना पड़ा है भाई, ऑर्डर आ गया एटलीस्ट बताना तो चाहिए कि भैया आपका ऑर्डर आ गया मेरा। गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, और कल रात को हम काफ़ी थक गए थे, घर पर आने के बाद में फ्रेश वगैरह होकर के और फिर हम सो गए थे। सो आज एक्सपल्स की बात कर लेते हैं। जितना मुझे कल एक्सपीरियंस मैंने लिया एक्सपल्स का, पहली बार मैंने तकरीबन 90 किलोमीटर के आसपास हीरो एक्सपल्स को रन किया है। जैसा मेरा कल का एक्सपीरियंस रहा, यार देखो क्या है कि 80 तक बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है, और 80 के ऊपर थोड़ा सा बाइक स्ट्रगल करना स्टार्ट करती है, और मैं बोलूँगा कि जो मेन स्ट्रगल बाइक करती है वो 90 के ऊपर करती है। मतलब ठीक है आराम से चल तो जाती है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो पाता है बाइक को चलाने में, और थोड़ा सा एक हीटिंग इशू भी मुझे बाइक के अंदर लगा है। हो सकता है कि जो पीस मेरे पास में आया है इसके अंदर वो हीटिंग इशू, क्योंकि अभी तक जितनी भी सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब के ऊपर देखी हैं उनमें किसी में भी मैंने ये नहीं देखा कि हीटिंग इशू आ रहा हो, तो हो सकता है इस पीस के अंदर ये हीटिंग इशू आ रहा हो। सो अभी हमारे पास आज का दिन है, और कल का भी दिन है हमारे पास में, और परसों का आधा दिन है, तो अभी 2.5 दिन करीब हमारे पास बाइक रहेगी। बाइक का जो हमारा पर्पज़ है बाइक को लेने का, एक्सपल्स के साथ में अगर हम एक चीज़ को देखें कि अगर मान लो जैसे कि हम हिल्स के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर तो नो डाउट यार कोई दिक्कत आने वाली है नहीं,
क्योंकि सस्पेंशन काफी अच्छे हैं और मतलब काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, सो वो वाला तो कोई इश्यू आएगा नहीं। लेकिन क्या है कि हिल्स के अंदर ही हमेशा नहीं रहेंगे, हाईवे के ऊपर भी रहेंगे, तो वो भी देखना है कि हाईवे के ऊपर भी अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए यार बाइक का। सो वो सारी चीजें हम देखेंगे 2-3 दिन के अंदर और उसके बाद में एक फाइनल अपना रिव्यू देंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, कि कौन सी बाइक परचेज करनी है। अभी मैं रॉयल एनफील्ड के साथ भी बात कर रहा हूँ, तो वहां से अगर एक्सपीरियंस राइड के लिए हमें 3 दिन के लिए अगर मिल जाती है तो थोड़ा कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।